हेलो फ्रेंड्स, सब लोग प्यार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम घर से जो है निकल चुके हैं, अभी जो है खेत तरफ हम आए हैं। इधर जो है जा रहे हैं घास में नदी ओपार, हम लोग जो है उधर नदी ओपार कहते हैं, जो हम लोग का जैसे कि खेतों का नाम है उधर। तो चलिए हम घास में चलते हैं खेत तरफ, जैसे कि बिहन वगैरह जो हुआ है तो बिहन के आर में जो है घास होता है वही है। आषाढ़ का दिन है लेकिन हम लोग का धान वगैरह जो है नहीं रोपा है, तो बिहन में जो है घास हो गई है। तो दवा तो मरा चुका है, तो बीच में जो है और निकाले भी थे और दवा भी छिड़काव किया दिए थे, और अभी जो है आरी आरी जो है घास लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं खेत तरफ। अरे बताओ, घास निकल रहा है इस साइड, घास निकल रहा है साइड, जो है घास दिख रहा है। रात में जो है बारिश हुआ था, देखते हैं नदी आया है क्या। बिल्कुल नदी में पानी देखे नहीं है। ये देखिए नदी है, लेकिन नदी है हम लोग का ही है, इसमें पानी आ जाता है तो धान सबका जो है रुका जाता है ऊपर नीचे दोनों, पर पानी बिल्कुल नहीं आया है। देखिए सूखा सूखा दिख रहा है। यह हम कभी बिहान यहाँ है ना। कहे ना कि अरिया में जाके घास काट के लाने ला, उन्हें पानी पटाए हैं अथिया में, करेलिया में और नैनुआ में।
जा रहे हैं घास ले करके, और इधर से देखिए भी हम धान रोपाने के लिए जो तैयारी हो रहा है। आए थे दूसरे रास्ते में और जाएंगे दूसरे रास्ते में। दो ठे रास्ता है हम लोग के घर के पास जाने के लिए। आए थे देखिए उस मक्का दिख रहा है ना, उस साइड से आए थे उस पौधा के पास से, और इस बार जो इस तरीके से जा रहा दूसरे रास्ते में। क्योंकि हमें उस वहां आना था कि देखना था कि बैल जो है खुला है कि नहीं, तो देखे कि मक्का के खेत में जो है बांधा हुआ था दोनों। पहले के युग में रेहट चलता था, ये देखिए रेहट।